ये पापा और बेटे का क्यूट सा मोमेंट ऐसे ही मैंने कैप्चर कर लिया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी ये वापस से जस्ट मेरी गोद में लेटा है अपनी फीड ख़त्म करके, सो रहा है, थोड़ा एक्टिव स्लीप में खेल रहा है। मुझे आ रही है भयंकर वाली नींद, क्योंकि वही रात में 3-3 घंटे में उठता है तो नींद जो है वो पूरी नहीं होती। सो अभी बस मैं इसके सोने का इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत दिनों बाद ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, बीच में 3-4 दिन कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, गले में इतना ज़्यादा पेन था, अभी भी है लेकिन 50% ठीक हो गया है, 50 नहीं ज़्यादा ठीक हो गया है। एंड फिर शोएब की भी तबीयत ख़राब होगी ऑब्वियसली बिकॉज आई हैड, एंड अभी हम थोड़े बेटर हैं तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग कंटिन्यू किया जाए। सो या सो ये इसका टॉय आज मैंने पहली बार खोला और ये बड़े मज़े से इन्जॉय कर रहा था पैर बार बार वो म्यूज़िक वाले इस पे मार के। ये देखिए पापा ने अपने गोद में ही उसका स्टैंड रख लिया ताकि वो वहाँ भी उसे खेल सके, क्योंकि रूहान बहुत इन्जॉय कर रहा था। और ये मैं आ गई डिटॉक्स वाटर पानी पूरी का पानी बनाने के लिए, शोएब के लिए पुदीना हरा धनिया। और मैं किचन में कोई डिजास्टर ना करूं ऐसा हो सकता है। सो ये देखिए इतनी सी चीज बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मुझे निकालना था ये और मैं कुछ तो पता नहीं क्या कर रही थी कि यहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ था वो यहाँ से यहाँ गिरा, फिर यहाँ ये देखो ढक्कन है अभी भी, ये ढक्कन कैसे खोला पता नहीं, फिर यहाँ गिरा और फिर यहाँ गिर गया। डब्बा दिखाओ, ये रहा डब्बा। अब मैं जल्दी से शोएब का पानी पूरी पानी बना लूँ, उसके बाद मिलती हूँ, बाय बाय। तो ये आज मेरे साथ वही हुआ है जो शोएब मुझे हमेशा करते थे ना, दीपी तुम डब्बे खुले रखती हो, देखना किसी दिन गिरेगा। और आज ये मैंने नहीं रखा है, तो शायद मानसी ने रखा है, तो ये मैंने नहीं रखा है, लेकिन दुर्घटना हुई मेरे साथ। पूरी मसाला आराम से निकल गया। बस इसको स्ट्रेन करके नींबू डाल के मैं शोएब को सर्व कर रही हूँ। वैसे आप ऐसे भी पी सकते हैं पर शोएब इसे स्ट्रेन करके ही पीते हैं, उनको वो जो मुंह में पुदीना और हरा धनिया आता है वो बिल्कुल पसंद नहीं। सो शोएब चले गए हैं जिम और रूहान सो गया है और मम्मी उसके पास हैं, तो मैंने भी चेंज वेंज कर लिया। ये देखिए क्या हाल हो रहा है हमारे घर का, क्योंकि अभी घर किसी भी वक्त रेडी हो सकता है और हम जो है फाइनल चीज़ें सेटअप करें। कबर्ड तो उसी दिन से चल रहा है पर मैं मुझे पूरा दिन वक्त नहीं मिलता है, इसीलिए मैं फोल्ड करवा के रख लेती हूँ। नीचे से कार्टन्स मंगवा के जो धुलने डालना है वो धुलने डाल रहे हैं, एवरीथिंग ऐसे करते करते धीरे धीरे हम सेट कर रहे हैं। सो मैंने सोचा कि चलिए मैं अभी अपने लिए पंजीरी बना लेती हूँ। अभी मैंने सारी चीज़ें जो है मेजर करके रख ली हैं, पीछे मुझे थोड़ा वक्त मिला था, तो चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या है। एक बार आप इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लो उसके बाद कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत फटाफट बनती है। सो यस, ये है सारे इंग्रेडिएंट्स पंजीरी के। सबसे पहले ये है गेहूं 300 ग्राम्स, इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है अच्छे से, क्या बोलते हैं उसको, साफ करके। सो एक्चुअली मैंने सबसे पहले गेहूं चुन के निकाला और उसके बाद जब तक मैं बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग कर रही थी, मेजर कर रही थी, तब तक मैंने सोचा कि मैं गेहूं ड्राई भून लेती हूं। तो पहले हम गेहूं ड्राई भूनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको रेसिपी के साथ साथ बताती हूं। चलिए अभी बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये है मूंग, साबुत मूंग की दाल, ये भी मैंने ली है 300 ग्राम्स। सो दिस इज समथिंग जो मैं पंजीरी में डालती हूँ, मेरी मम्मी भी डाला करती थी, अदरवाइज मैंने नहीं देखा है कि पंजीरी में मूंग दाल जो है वो डलती है, लेकिन इससे सिर्फ हेल्थ क्वेश्चन थोड़ा और ऊपर हो जाता है बिकॉज मूंग दाल इज वेरी वेरी हेल्दी। जब नॉर्मली मैं लड्डू बनाया करती थी तो मैं गेहूं डालती ही नहीं थी, जवार और मूंग दाल या ये वाली मूंग दाल या बाजरा और मूंग दाल डाला करती थी, लेकिन इस बार मैं अपने लिए गेहूं भी डाल रही हूं और मैं मूंग भी डाल रही हूं। सूजी जो मैंने ली है 350 ग्राम, ये है मखाने, ये अराउंड 60-65 ग्राम्स हैं। ये है डेसिकेटेड कोकोनट,
ये है करीब 125-130 ग्राम, ये है सॉल्ट पाउडर, ये हम अंदाजे से डालेंगे, मैं डालते वक्त आपको बताऊंगी। घी जो हमें बहुत जेनरसली यूज करना है, ये है गोंद जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही हेल्दी चीज है हमारे लिए, तो ये मैंने ली है करीब 150-160 अप्रोक्सीमेटली। ये है कमरकस, ये भी एक तरीके की गोंद होती है और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, तो ये मैंने ली है अराउंड 70 ग्राम। ये है फ्लैक्सीड, अगेन अराउंड 60 ग्राम्स। अब आ जाते हैं ड्राई फ्रूट्स पे, ये बादाम मैंने 350 ग्राम लिया है और ये है पिस्ता और काजू मिक्स्ड, ये मैंने 300 ग्राम लिया है। सो ड्राई फ्रूट्स टोटली योर चॉइस, आप इसमें और जो चाहे वो ऐड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो काजू बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, टोटली योर कॉल। मैं इसमें एक चीज भूल गई, किशमिश। ओके, ये आ गई किशमिश, ये भी है 200 ग्राम। ये सौंफ बड़ी वाली, ये मैंने ली है करीब 50-55 ग्राम्स, और ये है गुड़, गुड़ का पाउडर जो कि है अराउंड 225-230 ग्राम्स। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, गेहूं मैंने ऑलरेडी ड्राई रोस्ट कर लिया है, अभी एक तरफ हम जो मूंग की दाल है उसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं एंड दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेते हैं घी और उसमें क्या करते हैं बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है मूंग दाल ड्राई रोस्ट हो रही है एंड साइमल्टेनियसली ये एक कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया है और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। एक बार ये घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद एक एक करके हमें सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है, फिर उनको निकाल के रख लेना है, अलग अलग ही रखना है एंड जो भी जैसे कि मखाने हो गए या बादाम हो गए, काजू पिस्ता हो गए, ये हमें चर्न करना है यानी कि पीसना है एंड गोंद वगैरह को तो हम सिर्फ कूटेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार घी अच्छे से गर्म हो जाए देन वी कंटिन्यू। सो घी हो गया अच्छे से गर्म और फिर मैंने डाल दिए इसमें बादाम, करीब 4-5 मिनट उसे अच्छे से फ्राई करेंगे और यहाँ पे ड्राई रोस्ट हो रही है मूंग की दाल। सो बादाम जब आप फ्राई करते हैं तो इस तरीके से फट के वो स्प्लैटर होता है, तो बहुत ध्यान रखिएगा, दूर रहिएगा वरना लग सकता है। दैट्स इट, हमारे बादाम हो गए अच्छे से फ्राई, अब हम इसे टिश्यू पे निकाल देंगे। अब इसमें डाल देते हैं हम हमारे मिक्स्ड वाले नट्स, मैंने सिर्फ काजू और पिस्ता लिए हैं, आप चाहे तो वॉलनट्स और बाकी नट्स भी ले सकते हैं। इसे भी बिल्कुल उसी तरह से हम 4-5 मिनट फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। अच्छा, फ्लेम जो है वो लो हाई आप पास में खड़े रह के मैनेज करते रहिएगा। ये देखिए ये हो गए हैं बढ़िया से फ्राई, इसे हम लोग निकाल लेते हैं। वाह, सो ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए और मूंग दाल भी जो है वो रोस्ट हो चुकी है, मैंने ऑफ कर दिया है। अब बारी है मखानों की, मखाने हम घी में डाल के फ्राई करेंगे थोड़ा, क्यों? क्योंकि उसके बाद जब आप उसे चर्न करोगे ना तो वो क्रिस्प हो जाएंगे एंड ऐसे अगर आप चर्न करने की कोशिश करोगे इट्स वेरी सॉगी, तो आप घी में डालोगे तो वो क्रिस्पनेस उसमें आ जाती है। सो ये गर्म घी में डाल दिए मैंने सारे फूल मखाने और इसे स्टर करते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़े ब्राउनिश से नहीं हो जाते। वेरी 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 हेल्दी एंड वेरी बेनिफिशियल। तो ये स्लाइटली अपना कलर चेंज करके ना गोल्डनिश हो जाते हैं, ये देखिए, बस आपको निकाल देना। अब कमरकस, वाह, ये कमरकस भी अच्छे से बढ़िया से फ्राई हो गई है, देखिए फूल गई है, बस इसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसे फ्राई करने का अगर आप लोगों के पास कोई और तरीका होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अब इसी में मैं डाल देती हूँ गोंद और ये देखिए मैं स्टर करने में 2 सेकंड लेट हो गई तो ये इस तरीके से गट्टे बन गए हैं। कोई नहीं, हम इसे अच्छे से गोंद को हर एक टुकड़े को फ्राई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हो गई है ये अच्छे से फ्राई। अब इसको निकालने से पहले ना इन टुकड़ों में देखिए इस तरीके से हम लोग ये मार मार के देख लेंगे तो वो एकदम लाइट हो जाती है और बहुत क्रंची तरीके से क्रैक होती है। दैट मीन्स हमारी गोंद जो है अच्छे से फ्राई होगी, इसे निकाल लेते हैं। तो अभी जो आपके मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं जिनको आपको अच्छे से घी में रोस्ट करना था, जैसे कि बादाम, बाकी के ड्राई फ्रूट्स, गोंद, कमरकस, ये सब हो चुका है, मखाना, ये सब हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो कढ़ाई है
उसमें से घी आप हटा के, क्योंकि उसमें काफी रेजिड्यू भी जमा हो जाता है, वो भी हटा के उसे अच्छे से वाइप कर लीजिए। और इसे इसमें मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके घी डालूंगी, क्योंकि अभी जो बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें कम घी में रोस्ट करने हैं। ओहो, मेरी बेचारी किशमिश को मैं फिर से भूल गई। कोई बात नहीं, ये जो मैंने थोड़ा सा फ्रेश घी लिया है, इसमें सबसे पहले मैंने डाली किशमिश, अच्छे से घी गर्म हो गया, उसके बाद किशमिश आप डालेंगे तो वो तुरंत इस तरीके से फूल जाती है। हो गई है डन, अभी हम इसे निकाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब बारी है सूजी की, सूजी को भी हम घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मे बी मैं सिर्फ एक या दो छोटे चम्मच घी और ऐड करूँगी और फिर इसे मिक्स करके देखती हूँ। यस, ये देखिए, ये बिल्कुल बढ़िया है। ये हो गया हमारी सूजी रेडी, भून लिया मैंने अच्छे से। सूजी को आपको ज़्यादा नहीं, जैसे हम हलवे के लिए भूनते हैं ना, लेकिन ब्राउन हो जाए उतना नहीं, सफ़ेद ही रहे, बस उसमें वो सौंधापन आ जाना चाहिए। और सूजी जब आप पंजीरी में डालते हैं तो बहुत ही अमेजिंग सा टेक्सचर आता है, इसलिए मैं एज मेजरमेंट उसे गेहूं से भी थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ। वैसे भी गेहूं हमने जितना लिया है, पीसने के बाद वो क्वांटिटी बढ़ेगी ही, इसलिए मैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही मैंने रखा है इस वक्त सूजी को। यहाँ मैंने सूजी एक बड़े, भुनी हुई सूजी एक बड़े वेसल में निकाल लिए, क्योंकि इसमें हम सब कुछ अच्छे से मिक्स कर पाएंगे, तो जो जो रेडी होता जा रहा है वो हम इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैंने फिर से क्लीन करके गरम कर लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, बस इतना ही। इसे हम अच्छे से गरम होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे अपना डेसिकेटेड कोकोनट, और इसे हम कंटिन्यूसली स्टर करते हुए रोस्ट करेंगे। थोड़ा भी यहाँ वहाँ हुए तो वो जल सकता है। ये देखिए, ये हल्का सा, एकदम हल्का गोल्डनिश हो गया है, बस बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं हमारे मिक्सचर में। सो अब मैंने इसमें डाल दिया है हमारा नारियल, और इसमें अभी सिर्फ जो एक चीज़ अभी मैं इस वक्त इसमें मिक्स कर सकती हूँ वो है किशमिश, क्योंकि किशमिश हमने पीसनी नहीं है, तो ये मिक्स करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब बाकी का जो सब कुछ है ना, वो हमें पीसना है, तो चलिए जल्दी से निकालते हैं मिक्सर और पीसना शुरू करते हैं। सो अब हमें करना है गोंद को क्रश, तो ये मैं मिक्सर में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, आई थिंक होत भी नहीं पाता है अच्छे से, ये हम हाथ से करते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ये क्रश हो गई है पूरी की पूरी गोंद। अब इसी में मैं कमरकसबी मिक्स कर लूँगी, क्योंकि कमरकसबी एक तरीके की गोंद ही होती है, और इसे हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। टाइम लगता है लेकिन हाथ से ही कीजिएगा। सो हमारी गोंद और कमरकस, यानी कि दोनों तरीके की गोंद जो है वो पिस गई है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, तो ये मिक्स होने के लिए रेडी है। और अब हम सबसे पहले पीसेंगे भुनी हुई जो मूंग दाल है वो, और फिर उसके बाद भुना हुआ गेहूं, और गेहूं को फिर हमने घी में भी भूनना है। तो चलिए सबसे पहले दाल पीसते हैं। ये देखिए, इतनी बढ़िया तरीके से दाल पिस गई है, एकदम महीन सा पाउडर हो गया है। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस मिक्सर, इतनी बढ़िया तरीके से इसमें चीजें पिसती है ना। सो ये मूंग की दाल जो है, इसमें इसको मैं बिल्कुल भी घी में नहीं भूनने वाली, ये मैं ऐसे ही पाउडर जो है इसमें डाल देने वाली हूँ। आपके पास रबर स्पून है तो उससे क्लीन कर लीजिए, तो जो भी रेसिड्यू है वो नहीं रहता, और आप बिना धोए अपने जार को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ये मैंने इसको कर लिया। अब इसी जार में जो है मैं गेहूं पीस लेती हूं। चलिए, हमारा गेहूं भी एकदम बढ़िया तरीके से पिस गया है, लेकिन इसे हम थोड़े से घी में जो है भूनेंगे। तो हम धीमी आंच पे भूनने के लिए रख देते हैं, और फिर हम तो यही है, तो हम तब तक बादाम, मखाने, पिस्ता सब कुछ पीसते रहेंगे, है ना। अब इसमें घी कितना डालना है, इसमें आपको घी उतना, लाइक फिलहाल कम है, मैं इसमें और डालूंगी। जब हम हलवा बनाते हैं तो हम कम घी में जब बनाते हैं तो कैसे हम भूनते हैं,
आटे को कि आटा पूरा भीग जाना चाहिए लेकिन तैरना नहीं चाहिए. सो प्रिसाइसली दैट मच. तो मैं थोड़ा सा घी और डालूंगी. इतना हमको घी डालना है कि आपका जो आटा है वो इतना भीग जाए. और अब आप इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर भून ले और जब अच्छी वाली खुशबू आने लगेगी ना तब इसको हम इसमें डालेंगे. ओके, सो अभी टाइम है हमारे ड्राई फ्रूट्स को पीसने का. तो एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही रहने देंगे. तो मैं पहले काजू और पिस्ता का जो मिक्सचर है उसको एक साथ पीस रही हूँ, ये देखिए. और अब आलमंड्स यानी कि बादाम जो हमने फ्राई करके रखे हैं उनको पीस लेंगे. सो ये पीस लिए हैं हमने बादाम अलग से और काजू और पिस्ता अलग से. और थोड़ा दरदरा ही पीसते हैं तो कुछ साबत भी रह जाएंगे विच इज फाइन. पर एकदम आप पाउडर भी ना बनाएं नहीं तो पंजीरी का मजा नहीं आएगा. चलिए अभी लास्ट में हमको पीसने हैं मखाने और फिर उसके बाद फ्लैक्स सीड हम लोग रोस्ट करेंगे. सौंफ बिना रोस्ट किए बस एक छोटा सा चर्न देके डन. वी आर ऑलमोस्ट डन. सो मखाने ऑल्सो डन. अब ये आटा भी अच्छे से भून लिया है हमने, ये भी हम इसमें डाल देंगे. आहा हा क्या खुशबू है, जैसे वो कड़ा बनाते ना वैसी खुशबू है. चलिए अब हमें ये हल्का सा रोस्ट करना है तो एकदम धीमी आंच पे सिर्फ ये डाल लेंगे. फ्लैक्सीड भी मैंने रोस्ट कर लिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब तक मैं सौंफ को एक छोटा सा विस्क देती हूँ. लास्ट हमें इसको थोड़ा सा पीसना. वैसे ना मुझे फ्लैक्सीड पसंद नहीं है पर इसको घी में भून के जब ये इस तरीके से दरदरा पीसा है तो इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना मैं बता नहीं सकती आपको. चलिए सो दिस इज आवर थर्ड लास्ट इंग्रेडिएंट, मतलब मेहनत करने वाला लास्ट. इसके बाद जो गुड़ का पाउडर है वो हमें ऐसे ही डालना है और ऊपर से हमें डालना है सौंठ यानी के सूखे हुए अदरक का मसाला. चलिए हमारी पंजीरी हो गई है ऑलमोस्ट रेडी. बेटर है कि आप हाथ से मिक्स करें क्योंकि हाथ से मिक्स करके जो मज़ा है वो स्पून से नहीं हो पाता. क्योंकि नीचे नीचे जैसे मैं इस वेसल में मिक्स कर रही हूँ तो नीचे नीचे कोने में जम जाता है बिकॉज घी बहुत है, तो वो नहीं चाहिए. हमें पूरा इवनली अच्छे से मिक्स करना है. मैंने हर चीज़ को दरदरा पीसा है तो जैसे कुछ मखाने भी साबत हैं, कुछ बादाम भी साबत है, बट दैट्स हाउ आई लाइक इट. आपको अगर पूरा पीसना है तो आप पूरा भी पीस सकते हो. सो ये गुड़ का पाउडर मैंने लिया है लगभग 225-230 ग्राम्स. आपको अगर इसके लड्डू बनाने हैं तो इस पॉइंट पे आप गुड़ का पाउडर ना मिक्स करके गुड़ की चाशनी बना के उसको मिक्स करके तुरंत जो है लड्डू बना सकते हो. लेकिन मुझे जैसे कि मैंने आपको कहा था मुझे ये पाउडर फॉर्म में ही चाहिए बिकॉज ऑथेंटिक जो पंजीरी होती है वो पाउडर फॉर्म में ही बनाई जाती है. गुड़ भी मैं पूरा एक साथ नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी. फिर उसके बाद आप टेस्ट कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए मीठा कम ज़्यादा. यू नो इस रेसिपी के जो भी प्रपोर्शंस मैंने आपको बताए हैं ना सब आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से. लेकिन कुछ भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट की अपनी खासियत है, चाहे वो मखाना हो, चाहे वो कमरकस हो, चाहे वो गोंद हो और चाहे वो लास्ट में ये जो हम सौंठ का पाउडर डालेंगे वो हो. हर एक चीज़ बहुत हेल्दी है स्पेशली जिन लेडीज़ ने डिलीवर किया है उनके लिए, और वैसे भी बहुत हेल्दी मानी जाती है पंजीरी. चलिए अब हम अंदाजे से डालते हैं सौंठ का पाउडर. मिठास चेक की जाए. डाल सकते हैं. तो चलिए हमारी पंजीरी हो गई है रेडी. सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में है, मिठास भी बिल्कुल सही है और ये आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें और रखें.
बहुत बढ़िया बनी है, बहुत ही मज़ेदार। इसे दिन में दो बार दूध के साथ अपनी डाइट में जो भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, बहुत 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 बेनिफिशियल होता है। पता है जब मेरी सर्जरी हुई ना, तो सेकंड डे ही मुझे डॉक्टर श्वेता ने आके बोल दिया कि घर से जो भी लड्डू या ये जो भी बन के आना है वो प्लीज़ मंगाओ, आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट ईटिंग राइट नाउ। तो मैं तो सेकंड डे से ही खाना शुरू कर दिया था, अम्मी ने बना के भेजा था खूब सारा, नाजा खाला अम्मी सबा सब ने मिल के वो जो ड्राई फ्रूट्स का पूरा मिक्स जो बेसिकली डिलीवरी के बाद मौदाहा में लेडीज़ को खिलाया जाता है वो बनाया था, जो अब तक मैं वही खा रही थी। एंड अब मैंने अपने लिए पंजीरी बनाई है। कैसा होता है ना कि हर जगह का एक अलग रेसिपी होता है, 19-20 चीज़ें वही हैं, लाइक उसमें भी घी मखाने सारे ड्राई फ्रूट्स गुड़ गोंद ये सब डलता है, पंजीरी में भी वही है, बस पंजीरी में गेहूं ऐड हो गया है, मूंग ऐड हो गया है, मूंग तो मैंने डाला है, सूजी ऐड हो गई। सो इट्स जस्ट दैट माइन्यूट चेंजेस विच इज सो लवली। सो ये पंजीरी मैंने बहुत समय पहले बनाई थी अपनी एक फ्रेंड के लिए जब उसकी डिलीवरी हुई थी, एंड उस वक्त जब मैंने टेस्ट की थी ना तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने सोचा था कि जब मैं डिलीवर करूंगी तो मैं अपने लिए जरूर बनाऊंगी। एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस रेसिपी विथ यू ऑल, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, तरीका बहुत आसान है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग में, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, और मैं कोशिश भी करूँगी कि अब मैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग शूट करूँ। अब देखिए कल रात को मैंने रेसिपी शूट की, उसके बाद कल रात को मैं क्लोजिंग भी नहीं ले पाई, ये मैं आज मतलब नेक्स्ट डे रात को मैं क्लोजिंग ले रही हूँ, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, बट कोई बात नहीं, मिलते रहेंगे डेफिनेटली। और तब तक आप लोग भी पंजीरी बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कैसी बनी है, और तब तक मैं एंजॉय करती हूँ। बाय गाइस, लव यू ऑल।